प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को यूरिन इन्फेक्शन होते हैं तो इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप इस यूरिन इन्फेक्शन से कौन से घरेलू उपाय को अपनाकर इस यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपको बता दूं, महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की संभावना होना काफी नॉर्मल सी बात होती है। अगर आप प्रेग्नेंट होती है तो आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान महिला के मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया घुस जाता है जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है वह बैक्टीरिया। ऐसी इस सिचुएशन में उनको यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। आपको बता दूं, यूटीआई का फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो इस यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए गर्भवती महिला कौन कौन से घरेलू उपाय को अपनाकर इस यूरिन इन्फेक्शन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। पहली टिप्स, विटामिन सी युक्त आहार। आपको बता दूं, प्रेग्नेंट वुमेन अगर विटामिन सी युक्त आहार का सेवन करती है तो इससे वह संक्रमण से बच सकती है। आपको बता दूं, विटामिन सी युक्त आहार में आता है शिमला मिर्च, संतरा, कीवी और लाल शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आपको बता दूं, विटामिन सी में एसिड का लेवल होता है जिस वजह से यह आपके शरीर में इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। दूसरी टिप्स, लौंग का तेल। आपको बता दूं, यह सुनकर आप थोड़े हैरान जरूर होंगे कि लौंग का तेल। आपको बता दूं, लौंग का तेल मिलता है, आप लौंग का तेल का सेवन कर सकती है यूरिन इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आपको बता दूं, लौंग का तेल ई कोइलाई को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी स्त्री के जो डॉक्टर होंगे वो आपको इस तेल को लेने की सलाह जरूर देंगे। थर्ड टिप्स, कैनबेरी का जूस। आपको बता दूं, कैनबेरी का जूस भी यूटीआई को नहीं होने देता है। अगर आप कैनबेरी का जूस का सेवन करती है तो इससे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन नहीं होती है और संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया का विकास काफ़ी कम हो जाता है और उनका विकास रुक जाता है जिस वजह से आपको यूटीआई नहीं होते हैं। चौथी टिप्स, प्रोबायोटिक ले। आपको बता दूं, प्रोबायोटिक्स किसको कहा जाता है? आपको बता दूं, प्रोबायोटिक्स अगर आप लेती है तो पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को जल्दी हटा देता है यह प्रोबायोटिक्स। आपको बता दूं, प्रोबायोटिक्स दही और कच्ची चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप नॉर्मली समझें कि आप दही के सेवन से प्रोबायोटिक्स ले सकती है, इससे आपके पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा नहीं होता है। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको पेशाब लगे तब आप पेशाब करने जाएं, इससे भी आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण नहीं होगा। अगर आप पेशाब को रोकती है तो इस वजह से उनके मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकते हैं, तो आप पेशाब को बिल्कुल भी ना रोकें। जब आपको पेशाब लगे तब आप पेशाब करने जरूर जाएं। आप इन 5 घरेलू उपाय को अपनाकर यूरिन इन्फेक्शन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय को आप घर में भी अपना सकती है। तो यही सब थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन।